गाइज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अमेरिका के आर्कनसास में एक डायमंड की माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। मतलब ये कि वहां पे कोई भी जा सकता है, डायमंड को ढूंढने की कोशिश कर सकता है और अगर डायमंड मिल गया तो वो डायमंड उसका। इस माइन का नाम है क्रेटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क, जो कि 911 एकड़ में फैला हुआ है। सुबह 8 बजे खुलता है, लेकिन उसके लिए एक टिकट लगती है लगभग $8 की, यानी कि ₹570 के करीब। और वहां पर आपको डायमंड कैसे खोजा जाता है वो भी सिखाया जाता है। यह अकेली इकलौती ऐसी माइन है जो कि पब्लिक के लिए ओपन है। जब 1972 में से खोला गया था, तब से लेके आज तक 30,000 से ज्यादा डायमंड यहां पर लोगों ने खोज निकाले हैं। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानके कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि भूटान इको फ्रेंडली कंट्री होने के साथ साथ पूरी ही दुनिया की इकलौती कार्बन नेगेटिव कंट्री भी है। पर सवाल यह है कि आखिर कार्बन नेगेटिव कंट्री होती क्या है। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि भूटान जितनी CO2 प्रोड्यूस करता है उससे कहीं गुना ज्यादा वहां के फॉरेस्ट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। पर यह सब पॉसिबल हो पाया है वहां के लोगों की सोच की वजह से। जैसे कि सन 2016 में भूटान की महारानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया और बजाय बड़ी सी पार्टी देने के वहां के राज परिवार ने 1,08,000 ट्रीज को भूटान में प्लांट किया। कितनी अच्छी सोच है ये। आपका इसके बारे में क्या विचार है चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने अपनी साइंस की किताबों में एटम के बारे में ये तो पढ़ा होगा कि एटम के 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके डिस्कवरीज को लेके। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सन 1897 में सर जे.जे. थॉमसन ने अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से की थी। उसके ठीक 12 साल बाद उन्हीं के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से प्रोटॉन को न्यूक्लियाई में डिस्कवर किया था। और फिर उसके बाद सन 1932 में रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। मतलब ये तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट थे। और मजे की बात ये थी कि इन तीनों को अपनी डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।